हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री है जिसका नाम है पुरानी चीजों के पक्ष में। यस, पुरानी चीजों के पक्ष में, ये है हमारा स्टैंडर्ड 11 और हिंदी के अंदर पोएम नंबर 3। ये बहुत ही बेहतरीन है। जीवन के अंदर हमेशा पुरानी चीजें हमेशा यादों में रहती है। कहते हैं यादों को याद करना सबसे कठिन है, पर यह जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे आप कभी भी वापस नहीं पा सकते हो। यस, तो आज कुछ ऐसी बातें आज हम इसके क्वेश्चन आंसर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे स्टैंडर्ड 11 हिंदी के अंदर। सबसे पहले लेते हैं एमसीक्यू। इसमें से किसकी कहानियां पुरानी है? तो इसमें से नानी की जो कहानियां हैं वो पुरानी है। कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़कों पर क्या दौड़ रहा है? तो आज भी सड़कों पर दौड़ रहा है क्या? साइकिलें दौड़ रही है। दुब किसका प्रतीक है? तो दुब एक विनम्रता का प्रतीक है। प्रतीक का मतलब सिंबल और विनम्रता का मतलब मैनर्स और रिस्पेक्ट। सारे विवाद का केंद्र का स्थान कौन सी बात है? तो सारे विवाद का केंद्र का स्थान है सच और झूठ, ये दोनों, है ना। अब बात करेंगे हम अपने वन लाइन आंसर की ओर जाते हैं और वहां पर देखते हैं वन लाइन आंसर क्या कहता है। कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में कविता के कवि किन चीजों को मद्देनजर अपनी बात करते हैं? तो पुरानी चीजें पक्ष में कविता ने कवि ने इन चीजों को मद्देनजर अपनी बात की है कि जो पुरानी होकर भी हर वक्त काम करती रहती है। बीमार पड़ने पर आज भी क्या काम आता है? तो बीमार पड़ने पर भी आज भी दादी के और नानी की जो घरेलू नुस्खे है वो में बहुत ही काम आते हैं। कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में आधुनिकता की परिचयक कौन सी चीजें हैं? तो कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में झूठ और सच, अहिंसा, विनम्रता और कुछ पुरानी समझदारियां जैसी चीजें आज भी आधुनिकता यानी कि मॉडर्न युग के अंदर भी हमें परिचायक है, यानी कि हमें एक नर्स की तरह, एक आया की तरह हमें मदद करती है। कवि राजेश जोशी ने कौन सी चीज स्मृतियों के शेष रहने की बात कही है? तो कवि राजेश जोशी थोड़ी सी टिस और थोड़ी सी मिठास, यानी थोड़ा सा दुख और थोड़ी सी अच्छी यादों की स्मृति, ये बात शेष रहने की यहाँ पर रखी है। अब बात करते हैं हम, प्रश्न है लॉन्ग आंसर का। लॉन्ग आंसर जब भी लिखे थ्री पार्ट में लिखना है। पहले लिखना है क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको लिखना है मेन आंसर एंड देन क्वेश्चन को रिपीट करना। सड़कों पर आज भी साइकिलें क्यों चलाई जाती है? दुनिया में बदलाव आ गया है। इंटरनेट, मोबाइल, मेट्रो ट्रेन और बुलेट ट्रेन ने तो हर जगह अपना स्थान ले लिया है, पर फिर भी कुछ पुरानी चीजें अभी भी बदली नहीं है। साइकिल वही पुरानी सवारी है, इसके बावजूद उसका प्रयोग आज भी हो रहा है। उसकी उपयोगिता कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। उसमें ना पेट्रोल का खर्चा है, ना डीजल का, ना गैस का। पार्किंग का झंझट भी कम होता है, इसलिए इस प्रकार की सुविधाजनक यानी कि सुविधाजनक होने के कारण से सड़कों पर आज भी साइकिलें दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 2, लोगों को हिंसा की बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? हिंसा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है भाई। जब उसको परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तब तो वो वायलेंस यानी कि हिंसा की ओर जाता है। वो क्षणिक होता है आवेश के हिसाब से। सामान्य रूप में मनुष्य अहिंसक रहना चाहता है। समाज में रहने का कारण उसका व्यवहार भी अहिंसा की प्रधानता होती है। प्रेम, एक दूसरे का सहयोग, सहकार, मेल जोल, ये मनुष्य की एक स्वाभाविक वृत्तियां है और इन्हीं से जीवन में सुख शांति आ रही है। इसलिए लोगों को हिंसा की बजाय सरल जीवन जीना पसंद आता है। अब बात करते हैं हम आशय स्पष्ट करो के बारे में। आशय स्पष्ट करो के अंदर हमेशा आपको एक लाइन दी जाती है, उसको मस्त अच्छी तरह से पोएम के आधार पे, आपके जीवन के आधार पे, अनुभव के आधार पे आप उसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करके एक्सपांड कर सकते हो। लिखा है यहाँ पर कि विनम्रता कोई कायरता नहीं है। विनम्रता मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। मैनर्स के साथ हम दादी, मम्मी, गुरु, हम उस सब के साथ बात करेंगे ना, तो ये कहते हैं मैनर्स वाला लड़का है ये, तो है ना। बड़े बड़े कार्य विनम्रता से हम संपन्न कर सकते हैं, चाहे बड़ी बड़ी ऑफिस में हो, बड़ी कॉलेज में, या विश्वविद्यालय, या घर के संबंध के अंदर भी। विनम्रता से हम क्रूरता को भी जीत सकते हैं। शर्त यह है कि विनम्र व्यक्ति कैसा होना चाहिए? सबल होना चाहिए। निर्बल व्यक्ति भी विनम्रता से और उसके मापा जा सकता है। सबल व्यक्ति की विनम्रता कभी कायरता नहीं की जा सकती है। महात्मा गांधी जी ने विनम्रता का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि दिखने में देखो
एक सामान्य सी पोतड़ी और दुबले पतले थे, हाथ में लकड़ी लेके चलते थे, वो पूरे भारत देश को उसने आजादी दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर टू, बनिस्पत हिंसा को एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों को। इसका ये आपको बताना है कि हिंसा समस्या का समाधान नहीं है, हिंसा से कोई भी समस्या सुलझ नहीं सकती है, वो और जटिल और मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सादा सरल जीवन हमेशा प्राचीनता की देन मानी जाती है, सभ्यता की देन मानी जाती है, इसका अस्तित्व हमेशा रहा है और रहेगा। मनुष्य सुख शांति चैन के अंदर अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सकता है। अब बात करेंगे हम दो तीन वाक्यों के अंदर, इसके अंदर आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, तीन चीजों को लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है कृति का नाम पुरानी चीजों के पक्ष में, उसके बाद आपको लिखना है उसके कर्ता का नाम राजेश जोशी जी, एंड देन साहित्य प्रकार लिखने के बाद आंसर लिखना है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर कि सच और झूठ के बारे में कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि सच की महिमा प्राचीन काल से लेकर आज भी है, इसी तरह झूठ का प्रयोग भी बहुत पहले होता था। दुनिया में बहुत बदल जाती है, इसके बावजूद उपयोगिता आज भी बनी रही है। क्वेश्चन नंबर टू, पुरानी समझदारियां कैसी बची है। दुनिया में नए बदलाव आने के साथ साथ लोग में तरह तरह नई मूर्खताएं भी आई है, तरह तरह के लड़ाई झगड़े युद्ध विग्रह की मूर्खता का परिणाम ही है। फिर भी आपसी प्रेम मानवीय संस्कार और नीति न्याय के द्वारा विवेक बुद्धि के द्वारा ये सारी चीजों को हम सुलझा सकते हैं, बचा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एक वाक्य में उत्तर देना, किसकी स्मृतियां आज भी बनी हुई है, तो नदी के किनारे बसी हुई प्राचीन सभ्यता की स्मृतियां आज भी बची हुई है। स्मृति का मतलब तो याद है ना। अब बात करेंगे हम व्याकरण के बारे में, प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे। देखो सभ्य को लगा ता तो सभ्यता बन गया, संगठित इत लगाया गया संगठन को, कायता लगाया गया पीछे, आधुनिक में इक लगाया गया, उसकी तरह सहमति में इत लगाया गया है और प्रचलित में इत लगाया गया है, समझदारी में ई विनम्रता में ता। तो इस तरह से हम पीछे जो लगता है ता इत ता इक इत इत इ ता इता, ये सारे प से पीछे, प से प्रत्यय याद रखना है। इसके बाद उपसर्ग कहाँ लगेगा, आगे लगेगा, जैसे नम्रता के आगे वी लगाया गया तो विनम्रता हुआ, संगठित में सम लगाया गया तो गठित के आगे संगठित हो गया, फिर टिस में कसक को कहा जाता है और मुक्ता बेवकूफी या मीनिंग के हिसाब से बताया गया है, ये उपसर्ग में नहीं है, है ना, खास याद रखना है। आगे बताया गया है हमारा विरोधी शब्द, पुरानी नई, सच झूठ, कायर वीर, स्मृति विस्मृति, सरल कठिन, मिठास कड़वाहट, ये हमारे ऑपोजिट वर्ड थे। अब बात करेंगे हमारे कुछ शब्दार्थ जो इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से पोयम को समझाने के लिए आपके लिए बनाया गया है, तो आशा करता हूं ये शब्दार्थ के द्वारा ये पोयम भी बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट्स करिएगा, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त आपका मित्र आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।